मंदसौर यातायात पुलिस एवं नेहरू भाई ने एक बार फिर पतंग की चाइना की डोर से लोगों को बचाने के लिए टू व्हीलर वाहनों पर लगाई स्टील की रॉड। मंदसौर में आज नेहरू भाई ने कई टू व्हीलर वाहनों में गुजरात की तर्ज पर स्टील की रॉड लगवाई, जिससे वाहन चलाने वाले को पतंग उड़ाने की चाइना की डोर से घायल न होना पड़े। नेहरू भाई ने टू व्हीलर वाहनों के लिए स्टील की रॉड से एक सुरक्षात्मक उपाय निकाला, जो कि हालांकि देश के गुजरात प्रदेश में ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यह प्रयास मंदसौर में भी किया जा रहा है। स्टील की रोड को यू शेप में इस तरह बनाया गया है कि टू व्हीलर से कोई भी पतंग की चाइना की डोर टकराने पर सीधे वाहन चालक की गर्दन या चेहरे पर घाव नहीं दे पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही डोर को वाहन पर लगी इस तरह के सुरक्षात्मक स्टील की रोड टकरा कर दूर हो जाएगी। मंदसौर जिले में चाइना की रोड से कई बार हादसे हो चुके हैं। 4 से 5 दिन पूर्व भी नयापुरा रोड पर वाहन चलाते समय चाइना की डोर से घायल हो गया था, उसकी गर्दन कट गई थी। और उसके पहले भी मध्य प्रदेश में और कई जिलों में भी चाइना की डोर से इस तरह की घटना हो चुकी है। इसलिए गुजरात की तर्ज पर मंदसौर में भी अब इस तरह टू व्हीलर वाहनों पर स्टील की रोड लगाने का कार्य किया गया है। मंदसौर जिले में धारा 144 लगा रखी है और कलेक्टर गौतम सिंह ने चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगा रखा है, और जो भी किसी के यहाँ पर चाइना की डोर दुकान पर मिलती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए 1:10 पर मंगलवार को बताया कि मंदसौर के नेहरू भाई ने कहा कि मैंने भी देखा है कि कई बार चाइना की रोड से कई हादसे हो चुके हैं, इसीलिए टू व्हीलर वाहनों के लिए स्टील की रोड बनाई और गाड़ियों पर लगाने का कार्य किया गया है, जिससे लोगों की जान बच सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले कमलेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और रोजाना 15 से 20 किलोमीटर उधर उधर जाना होता है, और चाइना की डोर का काफ़ी लोग मकर संक्रांति के पर्व पर उपयोग करते हैं और इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। ऊपर स्तर पर मंदसौर जैसे जिले एवं अन्य जिलों में नहीं आ सके, पर सुरक्षा के लिए इस तरह की स्टील की रोड लगाई गई है, यह काफ़ी अच्छा प्रयास है। यहाँ पे हमारे मंदसौर के जो नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं नेहरू भाई मेव, वो कुछ ना कुछ नवाचार करते रहते हैं और जो नई नई समस्याएं आती हैं उनसे कैसे मतलब जो है छोटे और सस्ते जुगाड़ों के साथ उनसे मतलब समस्याओं से रूबरू होना और उनसे बचना, तो ये प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने अभी जो ये चाइना डोर से कुछ पिछले वर्ष भी ये जो संक्रांति का सीज़न आता है इसमें पतंगबाजी वगैरह और ये सब इस त्यौहार के अंदर होता है, तो टू व्हीलर वगैरह जो है उनको ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि खुली डोर गले पे लग सकती है। पिछले वर्ष उज्जैन में इस प्रकार से एक मृत्यु भी हो चुकी है मोटरसाइकिल सवार की। तो यहाँ पे नेहरू भाई ने एक दो जुबली क्लिप और वायर से एक सस्ती युक्ति इजाद की है जो यहाँ पे कुछ वाहनों पे यहाँ लगाई गई है, और ये जो है एक तरह से सिंपल है। आप लोग भी अपने वाहनों पे इस तरीके से लगा के, और कम से कम ये एक महीने का जो सीज़न चलेगा पतंगबाजी का और संक्रांति का दौर, उसमें आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या लगता है सर, इससे हादसे नहीं होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ये इफेक्टिव तो लगता है, क्योंकि जो वाहन चालक जो हैंडल पकड़ता है उसकी गर्दन तक की हाइट से ऊपर तक को कवर कर रहा है, तो अगर इस तरह का कुछ धागा वगैरह सामने से आएगा तो वो उससे ऊपर होके निकल जाएगा, वो सेव करेगा, बिल्कुल इफेक्टिव लगता है। कमलेश शर्मा, कमलेश जी एक बात बताएं, गाड़ी पे आपने ये तार लगवाया, सेफ्टी किट लगवाया है, क्या लगता है आपको? सर बहुत बढ़िया है, सुविधा है, ये अच्छा है। अभी 14 जनवरी आ रही है, मकर संक्रांति को पतंग बहुत उड़ाएंगे तो उससे क्या अपनी पूरी सेफ्टी रहेगी, आगे बच्चे भी बैठते हैं उनके लिए भी बहुत सेफ्टी है, अपनी भी बहुत सेफ्टी है। अपन यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, 20-25 किलोमीटर दूर से गाँव से आता हूँ मैं। आपका डर क्या लगता है? डर ये लगता है सर कि गले गले में आ जाएगी, तो चाइना की डोर भी उड़ाते हैं लोग आजकल, तो उससे गला भी कट सकता है, तो अपने पीछे अपने बीवी बच्चे भी है, बहुत इससे लिए बहुत अपने को अच्छा लगेगा। मेरा कमलेश शर्मा। और जो है वाकई मतलब बड़ी डेंजर है, अभी हमारे चौहान साहब ने बताया है, और हम यातायात के मार्फत ये काम कर रहे हैं ताकि हर इंसान की जान बच सके, और जान की कीमत बहुत होती है, मांझे की कीमत क्या है, लेकिन मांझा जो है बहुत ख़राब है ये, ताकि यहाँ पर 2-3 हादसे मंदसौर के अंदर हो चुके हैं और आए दिन हम देखते आ रहे हैं हादसे बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक मैंने स्टील की एक रॉड बनाई है ताकि आगे डोर आ भी जाए तो वो सर के ऊपर होकर निकल जाएगी, तो ये अभी हमारे गाड़ी में लगाना चालू की है और अभी करीब 20-25 गाड़ियों में लग जाएगी। इसके अलावा और जिनको भी लगवाना हो तो वो मेरे प्लांट पर आकर, फैक्ट्री पर आकर वो लगवा सकते हैं, और मैं ये सेवा फ्री में दूंगा।
ये विचार कैसे मन में आया? ये विचार जो है अभी अपने मंदसौर में दो तीन दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना को देखकर मेरे मन में ये विचार आया और ये मैंने काम चालू किया यहाँ पे। और अभी गाड़ी और इसमें नहीं, देश में अभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है शायद इधर गुजरात में ये ज़्यादा चलते हैं। मध्य प्रदेश में तो अभी तक मैंने देखा नहीं, गुजरात का मैंने सुना है कि गुजरात में चलते हैं ये। या हमारे लड़के भी गए थे, उन्होंने बताया बोले ये तो वहाँ पे भी चल रहे हैं। या तो मैंने देखा बोले उसी पहले बनाया मैंने और स्टील का बनाया है ये, ताकि ये मुड़ेगा तो वापस ऐसे कैसा अपने आप एक जैसा रहेगा, वेस्टेज ख़राब नहीं होगा ये। और फिर आप खोल के इसको कभी भी काम ले सकते हैं, ये क्लिप से कसा हुआ है, अगले साल आप हमेशा काम ले सकते हैं, ख़राब नहीं होगा ये। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।